हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मिस्टर दीपक टेक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बेसिकली ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मतलब कैमरा के सामने कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। बेसिकली जब शुरू में नए यूट्यूबर्स या फिर क्रिएटर होते हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं, वो मतलब काफ़ी हेजिटेशन फील करते हैं और ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो बेसिकली इसमें इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके आप कैमरा के सामने मतलब अच्छे से बोल पाओगे और आप मतलब एकदम फ्रीली बोल पाओगे। आप मतलब बिल्कुल आपको मतलब कोई नर्वसनेस या फिर हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होगी। तो आप मतलब इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ पाए कि कैसे आपको मतलब प्रैक्टिस करना है और कैसे बोलना है। ठीक है, तो आपकी वीडियोस भी मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव होगी और ऑडियंस भी मतलब काफ़ी इंगेज होंगे। ठीक है, तो आपका ऑडियंस रिटेंशन ही बनेगा और प्लस आपकी फेस वैल्यू भी बनेगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को मतलब अंत तक देखिएगा और फिर जाके आपको मतलब पूरी अच्छे से डिटेल में समझ में आ पाएगी कि आप कैसे आपको मतलब बोलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब शुरुआत में आप जब वीडियोज़ बनाते हो या फिर कैमरा के सामने बोलते हो तो आपको कुछ अजीब सी फीलिंग लगती है कि ओह सॉरी, कैमरा के सामने बोलना है, कैसे बोलूँगा, मतलब कुछ ऐसा मतलब आपको होता है। बट फ्रेंड्स, ऐसा मतलब बिल्कुल आप ना सोचें। आप जहाँ भी जाए मतलब अकेले में हो या फिर कभी कभी मतलब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप बस सिंपली फ़ोन निकालो और ऐसे करके मतलब आप मतलब ऐसा फील करो कि कोई आपका फ्रेंड है जो कि मतलब आपसे बात कर रहा है। ठीक है, तो आप मतलब प्रैक्टिस करो, जैसे भी जहाँ भी रहो वैसे मतलब जैसे आप मतलब कुछ भी मतलब एक एग्जांपल के तौर पे जैसे किसी को कुछ मतलब समझा रहे हो, जैसे ऐसे आप सोचो कि मतलब मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आपके सामने मतलब कोई फ्रेंड है और आप मतलब उससे बात कर रहे हो। आपको ऐसा फील बिल्कुल नहीं होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है। शुरू में आपको लगता है कि अरे यार मैं ऑब्जेक्ट से बात कर रहा हूँ और मतलब मैं बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बस इमेजिन करना है, हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस करो ऐसा सोचना है कि मतलब मेरा कोई फ्रेंड बैठा है और मैं उससे बातें कर रहा हूँ। तो ऐसा आपको सोचना है, फिर जाके मतलब आपके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप मतलब फ्रीली बात कर पाओगे और मतलब कैमरा को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, फिर उस पर आप मतलब अच्छे से बोल पाओगे। और सेकंड नंबर टिप ये है कि जब भी आप मतलब कैमरा को फेस करो या फिर कैमरा के सामने बोलो तो आप जस्ट कैमरा पे फोकस करो। ठीक है, लेंस पे, आपको मतलब स्क्रीन पे नहीं देखना। जैसे कि मैं इस समय स्क्रीन पे देख रहा हूँ और अपना फेस देख रहा हूँ, तो अगर आप स्क्रीन पे मतलब अपना फेस देखते हो तो आप मतलब ऑडियंस से आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पाओगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप कोई वीडियो बना रहे हो या फिर कुछ भी मतलब आप मतलब किसी को सिखा रहे हो, समझा रहे हो, ठीक है, कैमरा पे, तो आप अगर आप स्क्रीन पे देखोगे अपना फेस तो इससे ये होगा कि मतलब आपकी जो आई कॉन्टेक्ट है वो कहीं और चली जाएगी। मतलब कि वो ऑडियंस से मतलब आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगी। जैसे कि मैं इस समय कैमरा पे देख के बात कर रहा हूँ, मतलब स्क्रीन पे देख के बात कर रहा हूँ, तो आपको मतलब लग रहा होगा कि मैं कहीं दूसरे साइड देख रहा हूँ, तो ऐसे आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं कैमरा के लेंस पे देख पा रहा हूँ और ईजिली मतलब मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे आपको लग रहा हो कि ये मतलब मुझे देख रहा है और मतलब आपसे मतलब बात कर रहा हूँ, तो ऐसे आई टू आई कॉन्टेक्ट बनेगा और ऑडियंस आपकी मतलब अच्छा से फील करेगी कि हाँ ठीक है और काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है और एज ए फ्रेंड मतलब समझा रहा है। ठीक है, तो ऐसे मतलब बेहतरीन कॉन्टेक्ट बनता है। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे कोई भी आपके मतलब और अट्रैक्ट होगा और आपको सुनेगा। ठीक है, तो आपको मतलब अपने कैमरा के लेंस पे देखना है। अगर फ़ोन है तो ऊपर, अगर फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हो तो फ्रंट कैमरा पे आपको मतलब देखना है, और अगर कैमरा पे शूट कर रहे हो तो आपको लेंस पे देखना है। ठीक है, जो आपकी मेन लेंस होती है उस पर आपको मतलब देखना है और उस पर मतलब देख के बोलना है और उस पर ऐसा सोचना है कि वो कोई आपका फ्रेंड है और आप उससे बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये है कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपको बिल्कुल मतलब फॉर्मल नंबर टिप की ओर चले तो आपको मतलब स्क्रिप्टेड नहीं करना है। और अगर आप मतलब आपका अगर फॉर्मल कोई मीटिंग है या फिर कुछ फॉर्मल वेबसाइट पे या फिर फॉर्मल किसी चीज़ पे आप मतलब वर्क कर रहे हो या फिर वीडियोज बना रहे हो तो आप स्क्रिप्टेड रह सकते हो। स्क्रिप्टेड मतलब आप कुछ अगर लिखे हो और उसी को बोलना चाहते हो तो आप उसमें वही बोल सकते हो। बट अगर फ्रेंड्स आप मतलब नॉर्मल यूट्यूब वीडियोज बना रहे हो, कोई ट्यूटोरियल वीडियोज या फिर कोई टेक वीडियोज, उस समय आपको मतलब नेचुरली बोलना है, जो आपके मन में आए एकदम फ्रीली फील करके वही बोलना है। मतलब आपको स्क्रिप्टेड नहीं रहना है, मतलब उस तरह आपको मतलब नेचुरल वाली फीलिंग नहीं आएगी
और जो ऑडियंस आपकी मतलब आपका वीडियोस वॉच करेगा उसको भी मतलब एक नेचुरलिटी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपको मतलब हमेशा कोशिश करना है कि जो आपके मतलब मन में आए और जो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल में पता हो तो उसको वैसे ही मतलब आपको एक्सप्लेन करना है और आपको वैसे ही मतलब वीडियोस बनानी है, ठीक है। आपको मतलब स्क्रिप्टेड नहीं रहना है, मतलब बस कहने का मतलब ये है कि आपको स्क्रिप्टेड नहीं रहना है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि आप मतलब अच्छे से कंटेक्ट बना सकते हो मतलब अपने ऑडियंस से, ऑडियंस भी समझेगा कि हाँ ये बंदा मतलब मुझसे ही बात कर रहा है, तो इससे आपकी ऑडियंस आपको अट्रैक्ट होगी और मतलब आप सब्सक्राइबर गेन कर पाएंगे, कहने का मतलब ये है। और इससे मतलब आप मतलब फ्रीली बोल भी पाओगे, ठीक है। तो आपको हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो आप मतलब सबसे मेन वाला जो पॉइंट है उसको आप मतलब भूलिएगा मत, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपको मतलब कैमरा के लेंस पे देखना है, ना कि कैमरा की स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कैमरा की स्क्रीन पे इस समय देख रहा हूँ और आपको ऑडियंस सोचेगा कि मतलब यार कहाँ देख रहा है, मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको मतलब कैमरा के लेंस पे देखना है। बेसिकली शुरू में जब कोई यूट्यूब वीडियो बनाता है तो वो कैमरा की स्क्रीन पे देखता है, मतलब डिस्प्ले पे देखता है अपना चेहरा। उसको लगता है कि मैं यहाँ पे हूँ और मतलब ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो मतलब सबसे बेकार तरीका होता है और बहुत बेकार इंप्रेशन मतलब जाता है ऑडियंस को, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि कैमरा के लेंस पे देख के बात करें। जैसे कि मैं इसमें बात कर रहा हूँ, नॉर्मली क्या है यार, कैमरा ही तो है, मतलब एज ए फ्रेंड समझो कैमरा को, या फिर एज ए अपने जो भी मतलब आपके प्रिय हो, मतलब कहने का मतलब है जिससे भी आपको लगता हो कि हम उससे फ्रीली बात कर सकते हैं, मतलब बिना हेजिटेशन के। तो जैसे आप समझो मतलब मेरा भाई है, दोस्त है, क्या है, बेसिकली एक कैमरा ही तो है, क्या इसमें डरना और क्यों हेजिटेशन मतलब लाना, ठीक है। तो आप आई होप कि आप मतलब मेरी बातें समझ जाओगे। जैसे कि मैं एकदम बिल्कुल अच्छे से बात कर पा रहा हूँ अब कैमरा से। पहले मेरी वीडियोज़ में काफ़ी बेकार मतलब इंप्रेशन जाता था क्योंकि मैं अच्छे से बोल नहीं पाता था। बट एक और बात है, आप मतलब ऐसे ही वीडियोज़ बनाते बनाते आपको हैबिट हो जाएगी बात करने की, ठीक है। तो इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आप मतलब अच्छे से बस प्रैक्टिस करते रहिए और आप एक दिन अच्छे से बोल पाएंगे कैमरा के सामने। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल और नॉलेजफुल कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहता है। तो आज मतलब वीडियोस नाइट में शूट कर रहा हूँ, रात में तो अच्छे से लाइट वाइट नहीं है मतलब, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, बस कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये जो रेड वाला बटन है इसको ग्रे कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप भी मतलब मेरे चैनल का एक मेंबर बन जाएंगे और आपको भी यूज़फुल कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। और प्लीज़ इस सब्सक्राइब और बेल बटन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।